इंस्टाग्राम वालों ने दे दिया ये ऑप्शन कि आप 600 रुपये में ब्लू टिक ले सकते, 699 रुपये में ब्लू टिक ले सकते हो। सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक दिस अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम दो दिन में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे पास ब्लॉग थे तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी का टाइम हो चुका है, सुबह हो गई, अभी मैं उठाऊंगा जस्ट में। और ये देखो तुझे कौन है, दिख गई कौन है, पहचान जाते हो आप लोग, तक तो बिंदु है मैंने। और ये देखो पता नहीं क्या बना रहे, ये बर्ती ये क्या है, रायता भाई सब ये गया है, गया या गया रायता, और ये सब सब जीवन नहीं है। हाँ गुड मॉर्निंग, बॉल भी ले कुछ है क्या, क्या बनाया हरिओ पनीर और पिट्ठा, नई नई डिश चल रही है वैसे आजकल मेरे घर पे। कई दिन था ना गर्मी दिन तकड़े हो रखी है, पता कौन सी वाली गर्मी होने लगी है, और चिपड़ी चिपड़ी गर्मी नहीं होती है इससे पसीना आता है, और मतलब क्या ऐसा मुँह चिपक चिपक हो जाता है, तो वैसी गर्मी हो गई है भाई सब। और हाय 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 क्या बात है, हवा भी इतनी खतरनाक चली हुई है, मौसम चेक करो आप लोग अभी, ठीक है तो बादल हो गए भाई सब है ना, कैसे हो आप लोग भी सुना दो आज कैसे हो, ठीक हो। वैसे आप लोग तो ठीक होते हैं, आप लोगों को क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, होता तो नहीं, अब लाइक ही नहीं करते हैं तो कुछ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 699 रुपये में ना आजकल ब्लू टिक मिल रहा है, 699 रुपये में ब्लू टिक, पता हूँ किसे, एक ऑप्शन आ रहा है सब में मीटा वेरीफाइड, एक मिनट तो यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा है मेरे, ए मीटा वेरीफाइड का ऑप्शन आ रखा है, चेक कर लो पहले, देख लिया ना यो योरा। तो आजकल ये है ना मतलब ये इंस्टाग्राम वालों ने दे दिया ये ऑप्शन कि आप 600 रुपये में ब्लू टिक ले सकते, 699 रुपये में ब्लू टिक ले सकते हो। और ये ब्लू टिक पता क्या है, पर मंथ के लिए है ये, हर मंथ आपको 699 रुपये पे करने पड़ेगा इस ब्लू टिक के लिए, बट ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, और 699 रुपये तो बहुत हो जाते हैं हर मंथ, तो आजकल तो लोगों फ़ोन कर चार्ज नहीं होता 300 रुपये वाला, तो इसलिए बहुत लोग ले गए बहुत लोग नहीं ले गए। सोच तो मैं भी रहा हूँ एक मंथ ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कैसा लगता है अकाउंट ब्लू टिक के लिए, अभी तो लेऊँगा ज़रूर लेऊँगा उसको, चेक करूँ एक बार तो, चेक करना पड़ेगा कैसा है मतलब किस क्या सिक्योरिटी अकाउंट की, क्या लिखा हुआ है इसमें कि अकाउंट की मतलब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है ना सभी की, तो अभी बच्चे दिखते नहीं आते नहीं, बस दो ही है, एक गौतम एक प्रिंस है, बच्चे ही नहीं अपने उसमें, सभी अपने मामा के घर को। सो गाइस ब्लू टिक के बारे में मैंने बता दिया है, और अपने लेना चाहते हैं ना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एक मंथ तो चेक कर सकते हो, ठीक लगे तो दोबारा फिर ले लेना, वरना बहन देना, ठीक है अभी चलते हैं कुछ खा पीते हैं। भाई साहब 600 रुपये में ब्लू टिक सही है क्या भारती, ले भारती तू ले लें अपना अकाउंट 1000 रुपये, सिम्मी खाना है वैसे पिट्ठा रेडी हो चुका है, पिट्ठी की सब्जी की वेट में हूँ, बहुत अंडी है खुशबू, अंडी है भारती, मैंने भारती के अकाउंट पे लगा देता हूँ ब्लू टिक, ठीक है भारती, भारती को बहुत जरूरत है ब्लू टिक की, क्यों बोल भारती का अकाउंट है ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं पीछे नहीं है, इसकी क्या रिपोर्ट आ रही है भारती अकाउंट में, 1000 फॉलोअर ब्लू टिक भारती को, भारती बनी भारती बनी सेलिब्रिटी, गाइस सब्जी बन चुकी है अपने पेटे की और खा रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस खाना वाना खा लिया, और अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, और अभी का हमारा प्लान बना है कि ये कि खेत में चलते हैं, वहाँ पे लाइट आ रखी है और ट्यूबवेल चला हुआ है, आज तो नहा के आई क्योंकि पिछली बार गए थे ना तो नहा के नहीं आया था मैं, अब की बार नहाने का मन कर रहा है, और गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, और क्या स्विमिंग पूल में ना नहाने चाहिए सच बताऊँ तो, पता क्या वहाँ पिछली बार स्विमिंग पूल में नहाया था ना मैं, उससे ना मुँह पता नहीं कैसा कैसे हो गया था, मतलब थोड़ा फट गया था मुँह, मतलब ख़राब हो गया था मुँह यार कोती, तो अपने खेत में नहाते आए ओरिजिनल ताज़े पानी से एकदम शुद्ध पानी से। भाई साहब मेरे साथ कौन जा रहा है, लो जी राहुल भी है ब्रो, अपने स्टैंड भी लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज व्लॉग है थोड़ा ऊपर ऊपर से बन रहा है, पता क्यों बन रहा है, आज मैंने अपना स्टैंड यूज़ किया मैंने व्लॉगिंग में,
जो व्लॉगिंग स्टैंड होता है ना वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया। ला तो मैंने बहुत टाइम पर रखा था बट यूज़ पहली बार किया। चल ब्रो अर्षित आने वाला था, अर्षित की वेट में था, अर्षित उस साइड गया हुआ है साइकिल पे, पता नहीं कितनी देर में आएगा। तो भाई 11 बज चुके हैं और 12 बजे खेत की लाइट बज जाएगी, 3 बजे, अरे फिर 3 बजे आएगी। ये बार अर्षित का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगा यार। 11 तो बज गया है, उसको मैंने ले जा रहा हूँ, वीडियो वाडियो बना देगा मेरी बढ़िया वीडियो, इसके इससे ना वीडियो नहीं बनेगी बनेगी, ये बना तो देगा, ये बनाएगा नहीं जान के, क्योंकि जलता है मेरे से, कभी इसके व्यू ज़्यादा ना जाए यार मेरे तो आते हैं यार। हाँ झड़ा है यार, मैंने बात नहीं कर रहा, ले बात कुछ नहीं होती भाई साहब, ये परना से मेरा परना ले भाई, कर लेते ये बात बस वीडियो वीडियो में कहते तेरा परना ले लूँगा ना मैं, एक मिनट आ तो लिया भाई साहब, दिख तो गया, देखो साइकिल पे आ रहा है, दिखाऊँ ये चेक करो, जल्दी आ जल्दी पे लिया साइकिल को, चलो अपने स्टैंड उठाते हैं, आज स्टैंड लेके चले गए, आज वीडियोस वगैरह बनाएगा वहाँ पे, जल्दी आ ज़्यादा, साइकिल कहाँ खड़ी करेगा कहाँ पे, कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, फिर चैन तो उतर की जल्दी साहब, अभी चलते हैं खेत में, बस 30-40 मिनट पड़ी है लाइट बाजने में, लाइट चले चलो भाई साहब चलते हैं। वो भाई साहब फोन का डाले ना गेयर देगा तो हमने ना खराब कर पढ़ना ये मानना था पढ़न दे, देख भाई क्या भी जाओगी भाई साहब, आप लोगों को पता है भाई यहाँ से आ जाएगी, ले आ यार मैं तो छाम है छाम पढ़ूंगा कि लाइट आ रही है भाई, अब ये चेक करो रेडी है ना भाई, रहने दे चप्पल कहाँ गई यार, मैं नहीं जा ये चप्पल बदल दूंगा ना मैं तेरी, देखिए देखो गले जगह चप्पल डाल बैठ दिया ना हमारे गाँव में, अभी कौन भाई साहब मैंने भरना पड़ेगा पानी में धक्का मारना खातर, ओए मेरे कपड़े दस देगा तो साल गई गई गई, देख यार फिर कौन लियो इन्हें ऊपर चढ़ा नहीं ना, हाँ दसी चल ना आऊंगी निकल तेरा बस की नहीं है बाइक चलानी, क्यों बेइज्जती करवाया ना ठाते बड़ी लड़ा, भाई साहब लाइट बच चुकी है यार, पानी तो गया रे होती हूँ तो पानी तो लिकट गया यार, पानी तो नहीं होती मैं, ओए भाई साहब लाइट भी गई बिना बात का, योर गाइस फाइनली वाली लाइट आ चुकी है, ये प्रो फाइनली गाइस लाइट आ चुकी है, 20-25 मिनट तो वेट किया हमने, 11 बजे में आ गए थे, 11:30 लाइट आई है, अरे यार रेत कितना रेत रहा भाई साहब, ये चेक करो रेत देखना कितना रखा है पानी में, अब ना आएगा से पानी ये यार मैं कपड़े निकालने के यार, ये देखो ब्रो अब तो गति गई आओगी, मतलब बिजली खराब हो चेक करना है, आओगी चलो भाई साहब, भाई साहब सुबह से लाइट है ना हमारे साथ मजाक कर रही है, आती है भाग जाती है, बताओ भाई साहब फिर से लाइट आ गई है, अब ये गई भाई साहब, ये पता नहीं यार क्या करेगी, नहाने देगी नहीं यार, ये आ तो गई फिर
तो कर दे साहब, आप लोगों का ना भी मैं बता नहीं सकता। पता क्या, फिर से मजाक हो चुका मेरे साथ। ये दोनों बेचारे आने लगे, लाइट फिर बाज गई। ये बाइक देखो राहुल ने बाइक धो दी भाई साहब, क्या बात है। भाई साहब गंदी नगरी तेरी नहीं धोया, देख बात साफ है, जो करेगा वही भोगेगा, जो कर्म करेगा वैसे भोगेगा बंदा। ओए यार मेरा मन ही नहीं नहाने का, मैं नहीं देता नहा ले अपना। सो गाइज यहाँ की तो लाइट आई नहीं है, दूसरे खेत में ना लाइट आ रखी है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे नहाएंगे सीधा, नहा के सीधा घर पे चले गए। फिर बहुत तंग हो गया यार यहाँ पे, इन्होंने कर दिया तंग। तो वहाँ पे जाना, देखो टील नहीं दिख रही, वो टील सी ऊंची सी वहाँ पे चल रहा, वहाँ पे भाई साहब दूसरे टेबल पाया था, किस्मत इतनी खराब आज, यहाँ की लाइट गई। अरे ना मैंने ना बस लत्ते निकालने स्टार्ट किए थे, लाइट गई देखो अभी अभी। यार किस्मत इतनी खराब है भाई साहब, वो तो किस्मत खराब है बहुत ज्यादा। ओए ठंडा पानी है इस भाई भाई साहब, रुक जा रुक जा, अपन ना ले पहले भाई साहब, बड़ी खराब की समझ लाइट बैठ गई यार, 4 बजे बाद। ओए रुक जा यार, नहीं नहीं सो गाइस हम ना नहा लिए हैं, जैसे वैसे नहाने थे, अब यार घर पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, नहीं मम्मी वो सुनाएगी। सो गाइस खेतों में से मैं आ गया था, और अभी का टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं, और एक चीज़ हम भूल गए थे कि हमारे घर में ही स्विमिंग पूल है। बताऊँ कैसा, अभी चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को, आप लोग ये सोचे कि कर क्या रहे हैं, देखाऊँ ये चेक करो ब्रो, बढ़ते नीचे ये भाई साहब डूंगा, पता कितना ये 7.5 फुट का है, और 5-6 फुट का मैं हूँ, 5 का मतलब कितने भी है पता नहीं, मैंने नापी नहीं कभी। अरे ये देखो ये दोनों गौतम बड़ी बड़ी देखो गाइस, ये पूरा डूब जाएगा, ले भाई साहब ये पूरा डूब गया, ये पता क्या ये अपने लेटरिंग के घंटे में नहा रहे हैं। वो भाई साहब कल मैं नहाऊंगा, आज नहीं, आज तो मैं 2 बार नहा रिया हूँ बड़ा। भाई साहब इनका एक चैलेंज करता हूँ मैं कि कौन कितनी देर पानी में रह सकता है, ठीक है गौतम कर अर्षित का, तो गौतम एज मैं करूँगा स्टार्ट, ठीक है 1 2 3 इसको देखो ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, वो जीत गया, बाहर था यो, बाहर था तू, मेरी सुन बाहर कौन था, वो मेरा क्या इस पानी में सांस कौन लिया जाता अरे सबसे बड़ी बात है पानी में कौन सांस लिया जाता है भाई साहब, पानी में तो सांस लिया नहीं जाता, देखिए कोई इस पानी में सांस लिया जाता है, करो ये दोबारा। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 7, और उन्होंने टाइम टाइम बताया सब ज्यादा, तो अभी हम जा रहे हैं और संभाल का पता क्या, वही तो राशि जा रहे हैं, पता क्या आज मम्मा ने नया कैफे खोला है, रही थी मम्मा ने, तो वहाँ पे क्या उसका मतलब देखने जा रहे हैं, मम्मा ने बुलाया था दोपहर को ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए मम्मा ने मना कर दिया था कि शाम को जाना, तो अभी चलते हैं बाइक ही हरियाम बाइक भी स्कूटी और मैं बाइक पर चलूंगा। ओ भाई साहब लड़ाई छुड़वा सो गाइस मामा के मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुके हम, और यहाँ पे हम कोई हमने सोचा था कि हम कैफे में आएंगे, बट जो पुराने वाला कैफे था ना उसको बंद करके ना यहाँ पे बना रहे हम कैफे, देखो यहाँ पे ये भाई साहब ये पूरी बिल्डिंग ले लिया हमने, देखो मामा ने ना पूरी बिल्डिंग ले ली है, तो यहाँ पे कैफे बनाएंगे, और यहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर भी है। भाई मामा इस कैफे से हम निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं सीधा घर पे, टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं घर पे। गाइस जैसे मैं गांव में एंटर हुआ ना मेरे पास गोल्ड रूम पहुँच चुका है, और आज ना गोल्ड रूम का बर्थडे है दोस्त का, वहाँ पे चल रहे हैं बर्थडे केक कटिंग करके फिर वापस, ठीक है ब्रो, हैप्पी बर्थडे ब्रो,
हैप्पी बर्थडे ब्रो, यहाँ अलग आ गए। हैप्पी बर्थडे, चलो भाई साहब, चलो हैप्पी बर्थडे भाई। सो गाइस, बर्थडे एंजॉय करके मैं आ चुका था घर पे। अभी टाइम हो चुका है 11:26 हो चुकी है भाई साहब, 11:26 हो चुकी है। सो गाइस, खाना वाना मैंने खा लिया है। इस व्लॉग को अगर यहीं पे एंड, व्लॉग अच्छा लगे लाइक कर देना, जो चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।